Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today our topic is early kingdoms, class 6th history. This is the first part of the lesson. About 2500 years ago, big kingdoms developed in the Ganga Valley. जब हम early kingdoms के बारे में देखते हैं तो आज से 2500 years ago बड़े बड़े kingdoms develop हुए गंगा वैली में. ये गंगा वैली में ही क्यों डेवलप हुए? क्योंकि वहां पे लैंड जो थी वो फर्टाइल थी और वाटर भी इजीली अवेलेबल था. दैट इज व्हाई इससे पहले जो लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे. वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो हंट वाइल्ड एनिमल्स और जो नेचुरली फूड अवेलेबल होता था उसको गैदर करने के लिए. लेकिन यहाँ पे वाटर भी इजीली अवेलेबल था, लैंड भी फर्टाइल थी और वो यहाँ पे सेटल्ड लाइफ गुजारते थे. वो प्रोड्यूसर्स थे, वो गैदरर्स नहीं थे, वो प्रोड्यूस करते थे. तो उनकी वेल डिफाइंड टेरिटरी थी. हर एक किंगडम की अपनी अपनी टेरिटरी थी, ज्यूरिडिक्शन थी और गवर्नमेंट भी थी. जो किंग होता था हर एक किंगडम का उसको अपना एरिया होता था जिसपे उसकी हुकूमत होती थी. तो ये 16 किंगडम्स थे इस एरिया में. जब हम इन किंगडम्स के बारे में देखते हैं तो जो मेन सोर्सेस है, मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो है वैदिक टेक्स्ट. जब हम सोर्सेस के बारे में देखते हैं कि हमें कैसे पता चला कि वहां पे किस तरह की जिंदगी थी, वो किस तरह क्या खाते थे, क्या पीते थे, ट्रेड वो किस तरह से करते थे, तो ये हमें वैदिक टेक्स्ट से पता चलता है. जैसे ब्राह्मणास एंड उपनिषदास, इसी तरह बुद्धिस्ट टेक्स्ट जटाका टेल्स. जो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस अर्ली किंगडम्स वो है वैदिक टेक्स्ट में ब्राह्मणास एंड उपनिषदास एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स लाइक जटाका टेल्स. तो इसमें बहुत सारे जनपदास एंड महाजनपदास एग्जिस्ट हुए. बहुत बड़े जनपदास एंड महाजनपदास एग्जिस्ट हुए. नियर अबाउट 16 किंगडम्स ही थे. अब हम पढ़ेंगे देखेंगे जनपदास एंड महाजनपदास के बारे में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जनपदास एंड महाजनपदास. हम देखेंगे जनपदास और महाजनपदास किस तरह वजूद में आए. इससे पहले में हमने देखा जो आर्यन्स थे वो ट्राइब्स में रहते थे. जो सबसे मेन रीजन है जो यहाँ पे इतने किंगडम्स डेवलप हुए गंगा वैली में वो है यूज ऑफ आयरन टूल्स. दैट्स अ मेन रीजन जो यहाँ पे इतने किंगडम्स डेवलप हुई. इट इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ आयरन टूल्स. जब डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल्स हुई तो वहां पे जो गंगा वैली में थिक फॉरेस्ट था, जो थिक फॉरेस्ट थे, बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट थे, उनको क्लियर करना था तब वो वहां रह सकते थे. लेकिन इससे पहले उनके पास स्टोन टूल्स अवेलेबल थे, बोन्स के टूल्स थे, उससे वो पॉसिबल नहीं था. जब आयरन टूल्स की डिस्कवरी हुई तो उनके लिए इजी हुआ, उनने फॉरेस्ट को क्लियर किया और वो वहां पे रहने लगे. और जो ये छोटे छोटे ट्राइब्स थे वो धीरे धीरे दे बिकेम बिगर सेटलमेंट्स. एंड दीज बिगर सेटलमेंट्स आर कॉल्ड जनपदास. और जब ये जनपदास की पॉपुलेशन बढ़ गई, ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए. एक तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बन गई और ये पावरफुल बन गए तो उनको हम कहते हैं महाजनपदास. तो आप कैसे ये जनपदास वजूद में आए? छोटे छोटे पहले लोग छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे लेकिन जब डिस्कवरी ऑफ आयरन हुई उससे उनको इजी हुआ कि जो गंगा वैली में थिक फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करने में. और ये जो ट्राइब्स है ये बड़े बड़े सेटलमेंट्स में तब्दील हुए. दीज सेटलमेंट्स आर कॉल्ड जनपदास. और जब ये जनपदास, दो तीन जनपदास कंबाइन हुए, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई और वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए, दे आर कॉल्ड महाजनपदास. There were 16 महाजनपदास in Ganga Valley in 6th century BC. वहाँ पे 16 महाजनपदास थे 6th century BC में. They were named after most powerful tribe in the area. उनका नाम जो रखा जाता था
हर एक महाजनपद में जो पावरफुल ट्राइब होता था उसी पर उसका नाम रखा जाता था। ईच महाजनपद कैपिटल, हर एक महाजनपद का कैपिटल था तो वो फोर्टिफाइड था, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड था, वॉल्स बना के थे मेड बाय स्टोन्स एंड ब्रिक्स, वो वॉल्स इसलिए बनाए गए थे ताकि जो नाइबेरिंग किंगडम्स थे उनके हमले से बचने के लिए वो बहुत बड़े वॉल्स बनाते थे अपने आप को बचाने के लिए। तो हम देखेंगे 16 महाजनपद थे वो, कब 6th century BC में। तो उनका जो नाम रखा जाता था इट डिपेंड्स अपॉन जो वहां पे महाजनपद का जो पावरफुल ट्राइब होता था उसी पर उसका नाम रखा जाता था, और वहां पे हर एक महाजनपद का कैपिटल था जहां पे किंग बैठा था, और वो कैपिटल जो था फोर्टिफाइड था, उसको वॉल्स बना के थे, प्रोटेक्टेड था वो बाय स्टोन्स एंड ब्रिक्स ताकि जो नेबरिंग किंगडम्स थे उनसे बचने के लिए अगर वो हमला करते तो उनसे बचने के लिए वो बहुत प्रोटेक्शन में बहुत बड़े वॉल्स बनाते थे मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। तो जो ये महाजनपद थे ये टू टाइप्स के थे, एक थे मोनार्कीज एंड रिपब्लिक।